लांजी तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए न्यायालय पुलिस ने दिए आदेश। लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम परसोड़ी में स्थित विवादित भूमि के मामले में लांजी सिविल न्यायालय ने तत्कालीन लांजी तहसीलदार RP मार्को और तत्कालीन पटवारी पुरुषोत्तम शरणागत को अन्य लोगों के साथ मिलकर राजस्व प्रकरण में मृत लोगों के नाम और हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही उक्त विवादित भूमि के अभिलेखों से छेड़छाड़ व कूट रचित होने की संलिप्तता को देखते हुए लांजी पुलिस को तत्कालीन लांजी तहसीलदार RP मार्को और तथा तत्कालीन परसोड़ी पटवारी सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विदित हो कि उक्त परिवार नरेंद्र कुमार पिता जैतराम नकपुरे ग्राम परसोड़ी के द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें नरेंद्र कुमार की तरफ से अधिवक्ता रमन झा ने पैरवी की तथा मानवीय सिविल न्यायालय लांजी अभिषेक सोनी प्रथम श्रेणी के द्वारा पुलिस को लांजी तहसीलदार RP मार्को तत्कालीन परसोड़ी पटवारी पुरुषोत्तम शरणागत सहेज लाल नकपुरे खेमलाल पिता सहेज लाल और विजय कोटवार के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल लांजी पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विदित हो कि तत्कालीन लांजी तहसीलदार RP मार्को वर्तमान में लाल बर्रा तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। MBC 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। मैं रमन कुमार झा अधिवक्ता सिविल कोर्ट लांजी। आज के आदेश कुछ विशेष आपके किसी के केस में? आज आदेश नहीं, ये आदेश तो 2 दिन पहले ही हो गया है, सैटरडे के दिन। क्या केस था? 26/3/2022 को ही आदेश कर दिया माननीय न्यायालय ने। क्या केस था? ये केस ये था कि मैं परिवादी जो है मेरे जूनियर भी है, नरेंद्र कुमार नकपुरे अधिवक्ता है, मेरे पास जूनियर है ये, तो इनके जो गृहग्राम है परसोड़ी वहाँ की पैतृक संपत्ति थी जिसमें 10 से 12 लोगों का नाम था, समझ रहे, जो कम से कम जिसमें 4-5 लोग 8 से 10 साल पहले ही मर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें 5 अनाविदक हैं, सहजलाल नकपुरे जो परिवादी के दादा हैं, खेमलाल जो हैं परिवादी के चाचा हैं, सगे चाचा, और एक ग्राम का कोटवार है जो सिंगोला का विजय कोटवार, उसने भी हस्तक्षेप किया इस पूरे प्रकरण में, और पुरुषोत्तम शरणागत हैं उस समय वहाँ पर पटवारी थे, और ये रामप्रसाद मार्को तहसीलदार लांजी उस समय में पदस्थ। अभी तो क्या इसमें ये हुआ था कि जो परिवादी नरेंद्र कुमार नकपुरे, उनकी ओर से थाना प्रभारी महोदय लांजी, SDOP महोदय लांजी, SDM महोदय लांजी, आपका कलेक्टर महोदय बालाघाट और SP महोदय, और उसके अलावा जो CM हेल्पलाइन में होती शिकायत वगैरह उसमें भी, और PM के यहाँ जो शिकायत होती है उसमें भी शिकायत की गई थी इस प्रकरण के संबंध में कि ऐसी ऐसी जालसाजी संबंधित अधिकारी और जो अनावेदक हैं उनके द्वारा की गई है, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला हमने कोर्ट में जब कहीं संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले में, तो 15/3/2021 को परिवादी की ओर से मेरे द्वारा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया 156/3 CRPC में। तो बीच में कोरोना काल था, उस वजह से पेशियां बढ़ती गई सारी चीज़ें, फिर माननीय न्यायालय ने स्वयं प्रकरण को देखते हुए हमारे पास जो भी दस्तावेजी साक्ष्य थे सारी चीज़ों को हमने निकाला था, उनको देखते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान अभिषेक सोनी जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि जो भी अनावेदक लोग हैं, जिसमें आपका कोटवार हो गया और पुरुषोत्तम शरणागत और ये रामप्रसाद मार्को तहसीलदार और 2 अन्य लोग सहजलाल और खेमलाल, इनके विरुद्ध 16 गंभीर जो धाराएं हैं IPC की, उसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करें और विवेचना करें, और उसके बाद अंतिम जो प्रतिवेदन है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तो माननीय न्यायालय ने थाना प्रभारी महोदय को इस प्रकरण में FIR लॉज करने के आदेश पारित कर दिए। कौन कौन सी धाराएं सर, कितनी? ये गंभीर धाराएं जो है 416 छल के लिए, 409 आपराधिक अतिचार वगैरह हो गया, 420 ये भी छल से ही संबंधित है चीटिंग के लिए, 467 शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ काटछाट, और ऐसे ही 471 120 भी आपराधिक सारी ये गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं, और इनके अलावा अन्य 6-7 धाराएं और जिसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया।